जय भीम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर किसी से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मूल नाम भीमराव था। उनके पिता श्री रामजी वल्द मालोजी सकपाल महू में ही मेजर सूबेदार के पद पर एक सैनिक अधिकारी थे। अपनी सेवा के अंतिम वर्ष उन्होंने और उनकी धर्मपत्नी भीमाबाई ने काली पलटन स्थित जन्मस्थली स्मारक की जगह पर विद्यमान एक बैरेक में गुजारे। सन 1891 में 14 अप्रैल के दिन, जब रामजी सूबेदार अपनी ड्यूटी पर थे, 12 बजे यहीं भीमराव का जन्म हुआ। कबीर पंथ पिता और धर्मपरायण माता की गोद में बालक का आरंभिक काल अनुशासित रहा। बालक भीमराव का प्राथमिक शिक्षक दापोली और सतारा में हुआ। बंबई में एल्फिस्टन स्कूल से वो 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। इस अवसर पर एक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया और उसमें भेंट स्वरूप श्री कृष्णाजी अर्जुन केलुस्कर ने स्वलिखित पुस्तक बुद्ध चरित्र में प्रदान की। बड़ौदा नरेश सयाजी राव गायकवाड़ की फेलोशिप पाकर भीमराव ने 1912 में मुंबई विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा पास की। संस्कृत पढ़ने पर मनाही होने से वह फारसी लेकर उत्तीर्ण हुए। बीए के बाद एमए के अध्ययन हेतु बड़ौदा नरेश सयाजी गायकवाड़ की पुनः फेलोशिप पाकर वह अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिल हुए। सन 1915 में उन्होंने ग्रेजुएट उपाधि की परीक्षा पास की। इस हेतु उन्होंने अपना शोध प्राचीन भारत का वाणिज्य लिखा था। उसके बाद 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका से ही उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उनके पीएचडी शोध का विषय था ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकेंद्रीकरण। फेलोशिप समाप्त होने पर उन्हें भारत लौटना था, अतः वे ब्रिटेन होते हुए लौट रहे थे। उन्होंने वहां लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में एमएससी और डीएससी और विधि संस्थान में बार एट लॉ की उपाधि हेतु स्वयं को पंजीकृत किया और भारत लौटे। सबसे पहले छात्रवृत्ति की शर्त के अनुसार बड़ौदा नरेश के दरबार में सैनिक अधिकारी तथा वित्तीय सलाहकार का दायित्व स्वीकार किया। पूरे शहर में उनको किराए पर रखने कोई तैयार नहीं हो रहा था। यह एक गंभीर समस्या से वो कुछ समय के बाद ही मुंबई वापस आ गए। परेल में डबक चाल और श्रमिक कॉलोनी में रहकर अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरा करने हेतु पार्ट टाइम अध्यापकीय और वकालत कर अपने धर्मपत्नी रमाबाई के साथ जीवन निर्वाह किया। सन 1919 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राजनीतिक सुधार हेतु गठित साउथ बरो आयोग के समक्ष राजनीति में दलित प्रतिनिधित्व के पक्ष में साक्ष्य दी। उन्होंने मूक और अशिक्षित और निर्धन लोगों को जागरूक बनाने के लिए मूक नायक और बहिष्कृत भारत साप्ताहिकी पत्रिकाएं संपादित की और अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने के लिए वो लंदन और जर्मनी जाकर वहां से एमएससी डीएससी और बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त की। उनके एमएससी का शोध विषय साम्राज्यीय वित्त
के प्रांतीय विकेंद्रीकरण और विश्लेषणात्मक अध्ययन और उनके डीएससी उपाधि का विषय रुपये की समस्या, उसका उद्धार और उपाय और भारतीय चलन और बैंकिंग का इतिहास था। बाबा साहब अम्बेडकर को कोलंबिया विश्वविद्यालय ने एलएलडी और उस्मानिया विश्वविद्यालय ने डीलिट की मानद उपाधियों से सम्मानित किया था। इस प्रकार डॉक्टर अम्बेडकर वैश्विक युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए, क्योंकि उनके नाम के साथ बीए, एमए, एमएससी, पीएचडी, बैरिस्टर, डीएससी, डीली आदि कुल 26 उपाधियां जुड़ी है। भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपने जीवन के 65 वर्षों में देश को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, औद्योगिक, संवैधानिक इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में अनगिनत कार्य करके राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनमें से मुख्य क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। मानवाधिकार, जैसे दलित एवं दलित आदिवासियों के मंदिर प्रवेश, पानी पीने, छुआछूत, जाति पाति, ऊंची नीची जैसी सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए मनुस्मृति दहन 1927, महाड सत्याग्रह वर्ष 1928, नासिक सत्याग्रह वर्ष 1930, येवला की गर्जना वर्ष 1935 जैसे आंदोलन चलाए। बेजुबान, शोषित और अशिक्षित लोगों को जगाने के लिए वर्ष 1927 से 1956 के दौरान मुख नायक, बहिष्कृत भारत, समता जनता और प्रबुद्ध भारत नामक 5 साप्ताहिकी एवं पाक्षिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। कमजोर वर्ग के छात्रों को छात्रवासों, रात्रि स्कूलों तथा शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से अपने दलित वर्ग शिक्षा समाज 1924 के जरिए अध्ययन करने और साथ ही आय अर्जित करने के लिए उनको सक्षम बनाया। सन 1945 में उन्होंने अपनी पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी के जरिए मुंबई में सिद्धार्थ महाविद्यालय तथा औरंगाबाद में मिलिंद महाविद्यालय की स्थापना की। बौद्ध वैज्ञानिक प्रतिष्ठा, भारतीय संस्कृति वाले बौद्ध धर्म की 14 अक्टूबर 1956 को 500,000 लोगों के साथ नागपुर में दीक्षा ली तथा भारत में बौद्ध धर्म को पुनः स्थापित कर अपने अंतिम ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धाम के द्वारा निरंतर वृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया। वर्ष 1937 लाहौर के अधिवेशन के लिए तैयार अपने अभिभाषण को जाति भेद निर्मूलन नामक उनके ग्रंथ ने भारतीय समाज को धर्म ग्रंथों में व्याप्त मिथ्या, अंधविश्वास एवं अंधश्रद्धा से मुक्त दिलाने का कार्य किया। हिंदू विधेयक संहिता के जरिए महिलाओं को तलाक, संपत्ति में उत्तराधिकार आदि का प्रावधान कर उसके कार्यान्वयन के लिए वह जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहे। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखे शोध ग्रंथ रुपये की समस्या, उसका उद्भव तथा उपाय और भारतीय चलन वह बैंकिंग का इतिहास ग्रंथों और हिल्टन यंग कमीशन के समक्ष उनकी साक्ष्य के आधार पर 1935 से हुई। उनके दूसरे शोध ग्रंथ ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास के आधार पर देश में वित्तीय आयोग की स्थापना हुई। कृषि में सहकारी खेती के द्वारा पैदावार बढ़ाना, सतत विद्युत और जल आपूर्ति करने का उपाय बताया। औद्योगिक विकास, जल संचय, सिंचाई, श्रमिक और कृषक के उत्पादन और आय बढ़ाना सामूहिक तथा सहकारी से
प्रगत खेती करना, जमीन के राज्य स्वामित्व तथा राष्ट्रीयकरण से सर्वप्रभुत्व संपन्न समाजवादी गणराज्य की स्थापना करना। सन 1945 में उन्होंने महानदी का प्रबंध की बहुउद्देशीय उपयुक्तता को परख कर देश के लिए जल नीति तथा औद्योगिकरण की बहुउद्देशीय आर्थिक नीतियां जैसे नदी एवं नालों को जोड़ना, हीराकुंड बांध, दामोदर घाटी बांध, सोनन नदी घाटी परियोजना, राष्ट्रीय जलमार्ग, केंद्रीय जल एवं विद्युत प्राधिकरण बनाने के मार्ग प्रशस्त किए। सन 1944 में प्रस्तावित केंद्रीय जल मार्ग तथा सिंचाई आयुक्त के प्रस्ताव को 4 अप्रैल 1945 को वायसराय द्वारा अनुमोदित किया गया तथा बड़े बांधों वाली तकनीकों को भारत में लागू करने हेतु प्रस्तावित किया गया। उन्होंने भारत के विकास हेतु मजबूत तकनीकी संगठन का नेटवर्क ढांचा प्रस्तुत किया। उन्होंने जल प्रबंध तथा विकास और नैसर्गिक संसाधनों को देश की सेवा में सार्थक रूप से प्रयुक्त करने का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने समता, समानता, बंधुता एवं मानवता आधारित भारतीय संविधान को 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन में कठिन परिश्रम से तैयार कर 26 नवंबर 1949 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंप कर देश के समस्त नागरिकों को राष्ट्रीय एकता, अखंडता और व्यक्ति की गरिमा की जीवन पद्धति से भारतीय संस्कृति को अभिभूत किया। वर्ष 1951 में महिला सशक्तिकरण का हिंदू संहिता विधेयक पारित करवाने में प्रयास किया और पारित न होने पर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। वर्ष 1955 में अपना ग्रंथ भाषाई राज्यों पर विचार प्रकाशन कर आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को छोटे छोटे प्रबंध योग्य राज्य में पुनर्गठन करने का प्रस्ताव दिया था, जो उसके 45 वर्ष बाद कुछ प्रदेशों में साकार हुआ। निर्वाचन आयोग, योजना आयोग, विचार, वित्तीय आयोग, महिला पुरुष के लिए समान नागरिक हिंदू संहिता, राज्य पुनर्गठन, बड़े आकार के राज्यों को छोटा आकार में संगठित करना, राज्य के नीति निर्देश तत्व, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, कंट्रोलर व ऑडिटर जनरल, निर्वाचित आयोग तथा राजनीतिक ढांचे को मजबूत बनाने वाली सशक्त सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं विदेश नीति बनाई। प्रजातंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए राज्य के तीनों अंग न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं विधायिका को स्वतंत्र और पृथक बनाया तथा समान नागरिक अधिकार के अनुरूप एक व्यक्ति, एक मत और एक मूल्य के तत्व को प्रस्थापित किया। विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को सहभागी संविधान द्वारा सुनिश्चित की तथा भविष्य में किसी भी प्रकार की विधायिका जैसे ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, पंचायत राज इत्यादि में सहभागिता का मार्ग प्रशस्त किया। सरकारी और सामूहिक खेती के साथ उपलब्ध जमीन का राष्ट्रीयकरण कर भूमि पर राज्य का स्वामित्व स्थापित करने तथा सार्वजनिक प्राथमिक उद्यमों यथा बैंकों, बीमा आदि उपक्रमों को राज्य नियंत्रण में रखने को पुरजोर सिफारिश की तथा कृषि की छोटी जोतों पर निर्भर बेरोजगार श्रमिकों को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए उन्होंने औद्योगिकरण की सिफारिश की। वायसराय की काउंसलिंग में श्रम मंत्री की हैसियत से श्रम कल्याण के लिए श्रमिकों को 12 घंटे से घटाकर 8 घंटे कार्य समय, समान कार्य, समान वेतन, प्रसूति अवकाश, संवैतनिक अवकाश, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, स्वराज्य सुरक्षा, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 बनाना,
मजदूरों एवं कमजोर वर्ग के हितों के लिए तथा सीधे सत्ता में भागीदारी के लिए स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन कर 1937 के मुंबई प्रेसिडेंट चुनाव में 17 में से उन्होंने 15 सीटें जीती। कर्मचारी राज्य बीमा के तहत स्वास्थ्य अवकाश, अपंग सहायता, कार्य करते समय आकस्मिक घटना में हुए नुकसान की भरपाई करने और अनेक सुरक्षात्मक सुविधाओं को श्रम कल्याण में शामिल किया। कर्मचारियों को दैनिक भत्ता, अनियमित कर्मचारियों को अवकाश की सुविधा, कर्मचारियों के वेतन श्रेणी की समीक्षा, भविष्य निधि, कोयला खदान तथा माइका खनन में कार्यरत कर्मियों को सुरक्षा संशोधन विधेयक सन 1944 में पारित करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1946 में उन्होंने निवास, जल आपूर्ति, शिक्षा, मनोरंजन, सहकारी प्रबंध आदि से श्रम कल्याण नीति की नींव डाली तथा भारतीय श्रम सम्मेलन की शुरुआत की, जो अभी निरंतर जारी है, जिसमें प्रतिवर्ष मजदूर के ज्वलन मुद्दों पर प्रधानमंत्री की उपस्थिति में चर्चा होती है और उसके निराकरण के प्रयास किए जाते हैं। श्रम कल्याण निधि के क्रियान्वयन हेतु सलाहकार समिति बनाकर उसे 26 जनवरी 1944 में अंजाम दिया। भारतीय सांख्यिकी अधिनियम पारित कराया ताकि श्रम की दशा, दैनिक मजदूरी, आय के अन्य स्रोत, ऋण, आवास, रोजगार, जमा पूंजी तथा अन्य निधि व श्रम विवाद से संबंधित नियम संभव कर दिया। नवंबर 8, 1943 को उन्होंने 1926 से लंबित भारतीय श्रमिक अधिनियम को सक्रिय बनाकर उसके तहत भारतीय श्रमिक संघ संशोधन विधेयक प्रस्तावित किया और श्रमिक संघ को संख्या से लागू कर दिया। स्वास्थ्य बीमा योजना, भविष्य निधि अधिनियम, कारखाना संशोधन अधिनियम, श्रमिक विवाद अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और विधिक हड़ताल के अधिनियमों को श्रमिकों के कल्याणार्थ निर्माण कराया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों।